नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की ताजा खबरें। 94वें ऑस्कर सम्मेलन में विल स्मिथ ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। हालांकि उन्होंने सम्मेलन में जो कुछ भी किया, अब उन्हें उसका खेद है और वो माफी मांग रहे हैं। दरअसल सम्मेलन के दौरान अमेरिकन कॉमेडियन क्रिस रॉक ने स्मिथ की पत्नी को लेकर कुछ मजाक कर दिया था, जिससे स्मिथ को गुस्सा आ गया और उन्होंने स्टेज पर जाकर क्रिस को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के बाद से स्मिथ शर्मिंदा है और वो माफी मांग रहे हैं। सोशल मीडिया पर स्मिथ ने लिखा कि हिंसा हर तरह से गलत है, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं और माफी मांगता हूं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग स्मिथ के इस एक्शन को सही बता रहे हैं तो कुछ लोग उनका जमकर विरोध भी कर रहे हैं। हाल ही में अयान मुखर्जी ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करी है कि उन्होंने अपनी फिल्म ब्रह्मास की शूटिंग को खत्म कर लिया है। पूरी टीम पिछले 5 सालों से फिल्म के काम में लगी हुई थी और अब जाकर उनकी फिल्म की शूटिंग खत्म हो पाई है। इस जानकारी के साथ ही अयान मुखर्जी ने कुछ फोटोज को भी शेयर किया है, जिसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और वो वाराणसी के मंदिर के बाहर खड़े हुए दिख रहे हैं। फिल्म के आखिरी चरण की शूटिंग भी वाराणसी में ही की गई है। मुखर्जी ने शूटिंग के दौरान भी की वीडियो को भी शेयर किया है। इसके साथ ही करण जौहर ने भी ब्रह्मास की कुछ तस्वीरें साझा की हैं। आपको बता दें कि फिल्म ब्रह्मास 9 सितंबर 2022 को रिलीज हो जाएगी। फिल्म को 5 भाषाओं, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज किया जाएगा। पिछले शुक्रवार को रिलीज हुई SS राजामौली की फिल्म RRR 400 करोड़ के बिजनेस को पार कर चुकी है। फिल्म ने शुक्रवार को 134 करोड़ की कमाई करी, शनिवार को 100 करोड़, रविवार को 114 करोड़ और सोमवार को 58 करोड़ रुपए की कमाई करी। फिल्म एनालिस्ट का मानना है कि अगले कुछ हफ्तों में फिल्म 900 से 1000 करोड़ का बिजनेस आराम से कर लेगी। फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी है। आपको बता दें कि फिल्म में मुख्य किरदार रामचरण और जूनियर NTR का है। उनके अलावा फिल्म में आलिया भट्ट और अजय देवगन भी हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। वो आजकल अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म झुंड की सक्सेस की खुशी मना रहे हैं। हाल ही में 79 साल के अमिताभ बच्चन ने एक एक्शन पैक कॉमर्शियल एड शूट किया है, जहां उन्हें 2 टफ ग्लास पैनल तोड़ना था। उन्होंने क्रू से कहा कि वो अपना स्टंट खुद ही करेंगे। उनके इस स्टेटमेंट के बाद सभी शॉक रह गए। एक इंटरव्यू के दौरान एक्शन डायरेक्टर मनोहर वर्मा ने बताया कि हम लोग बच्चन जी के बॉडी डबल के साथ तैयार थे, लेकिन जब बच्चन जी सेट पर आए और उन्होंने कहा कि वो अपना स्टंट खुद परफॉर्म करना चाहेंगे, उन्होंने बताया कि इसके लिए हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ी। आगे वो बोले कि बच्चन जी ने एक प्रो के तरीके अपना एक्शन सीक्वेंस को निभाया और ये साफ कर दिया कि उम्र सिर्फ एक संख्या होती है। अगर वर्कफ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन अब रनवे 34 में अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह के साथ नजर आएंगे। इसके अलावा अमिताभ बच्चन अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास में रणवीर और आलिया के साथ भी स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे। टीवी सीरियल अनुपमा फेम मदालसा शर्मा उर्फ काव्या अपनी खूबसूरती को लेकर चर्चा में रहती हैं। उनका सोशल मीडिया अकाउंट उनकी तस्वीरों और वीडियो से भरा हुआ है। हाल ही में उन्होंने बोल्ड अंदाज अपनाया है, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। दरअसल मदालसा ने सफेद रंग का बाथरोब पहने हुए फोटो शेयर की है, जिसमें उनका लुक एकदम कातिल लग रहा है। मदासला के कलर्ड कर्ली हेयर, न्यूड मेकअप और प्यारी सी मुस्कान लोगों को काफी पसंद आ रही है। उन्होंने सप्ताह में 3 अलग अलग पोज दिए हैं। उनके इस पोज पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं। मदासला ने इससे पहले भी नीले रंग की ड्रेस में कुछ तस्वीरें शेयर की थी, जिसमें वो बेहद प्यारी और हॉट लग रही थी। जॉन अब्राहम की फिल्म अटैक इस शुक्रवार सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। अटैक की रिलीज डेट पास आ रही है और पूरी टीम प्रोडक्शन में जुटी हुई है। इसी बीच एक्ट्रेस रकुलप्रीत ने अटैक के गाने मैं नहीं टूटना आधारित एक चैलेंज की शुरुआत की है। इसके बाद रकुलप्रीत ने रविवार को फिटनेस फ्रीक टाइगर श्रॉफ और जैकलिन फर्नांडिस को इस चैलेंज के लिए नॉमिनेट किया था। टाइगर ने सोमवार को इस चैलेंज को अपने धांसू अंदाज में पूरा किया और एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में टाइगर श्रॉफ हाफ जैकेट पहने हुए बाइसेप्स के एक्सरसाइज करते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करने के बाद टाइगर श्रॉफ ने फिल्म निर्माता, निर्देशक जैकी भगनानी और एक्ट्रेस समंथा प्रभु को चैलेंज के लिए नॉमिनेट करते हुए लिखा कि इस चैलेंज के लिए रकुलप्रीत का धन्यवाद और आपकी आगामी फिल्म अटैक की रिलीज के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।